भारत के कई राज्यों में बीते 3 दिनों से बारिश की गतिविधियां जारी हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चांदपुर, बिजनौर, सियाना, गढ़मुक्तेश्वर और आसपास के हिस्सों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। मौसम का मिजाज बारिश के कारण हर दिन बदलता ही जा रहा है। रुक रुक कर बारिश होती रहती है। बदले मौसम में लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और घर में दुबक के बैठे हैं। बारिश के कारण गलन बढ़ने से ब्लोवर और हीटर लोगों का सहारा बना हुआ है। मौसम विज्ञानी प्रोफेसर एचएन मिश्रा के मुताबिक शीतोष्ण चक्रवात के प्रभाव से 14 जनवरी तक मौसम में इसी प्रकार उतार चढ़ाव बना रहेगा। हवाओं के प्रभाव से बादल उड़े तो कड़क ठंड पड़ेगी। सोमवार को कुछ घंटों के लिए मौसम साफ हो सकता है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वातावरण में नमी का स्तर अधिकतम 100% रहा। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर के कई मोहल्लों में पानी लगा रहा। वहीं प्रयागराज में भी हालत काफी खराब रही। वहीं मुख्य मार्गों पर भी कीचड़ के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया। शहर के जिन इलाकों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, उन इलाकों में लोगों को ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ रही है। सिविल लाइन्स कटरा, बैराना, मधवापुर, मालवीय नगर, रानी मंडी ही नहीं पौश इलाके के फुटपाथों पर भी पानी लगने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। वहीं संगम की रेती पर बसने वाली तंबुओं की नगरी प्रथम स्नान से पहले मुश्किलों के मेला में तब्दील हो गई है। लगातार बारिश और सर्द हवाओं से जहां कई अर्ध निर्मित शिविर गिर गए हैं, वहीं त्रिवेणी मार्ग, काली मार्ग और महावीर मार्गों पर दलदल और जल जमाव की वजह से काम को प्रभावित हुआ है। तीर्थ पुरोहितों के शिविर न लग पाने की वजह से कल्पवास पर भी असर पड़ने की आशंका है। माघ मेले की शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पहले स्नान से होगी। इससे पहले लगातार बारिश से मेला बसने के पहले ही बदरंग हो गया है। सेक्टर वाइज अर्ध निर्मित रास्ते कीचड़ से सरोवर होने से लोग फंसने लगे हैं। इससे हर तरफ शिविरों की बसाहट के बीच मुश्किलों का मेला शुरू हो गया है। इसके साथ ही मेला काउंटर पर सुविधा पर्चियों के लिए भी संतों और भक्तों की भीड़ लग रही है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।